अहले हदीस हैं यहाँ मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हालांकि मेरा बड़ा एहतराम करते हैं। मैंने कहा भाई क्यों नमाज नहीं पढ़ते? कह रहे हैं आप रफ़ुल दैन नहीं करते। मैंने कहा तो रफ़ुल दैन करना फ़र्ज़ है? कह रहे हैं जब नबी ने फरमाया, सही हदीस है, सल्लू कमार आई तुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो वो नमाज ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी तो होगी जैसे। और नबी ने अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी नमाज नहीं हो रही तो मेरी कैसे होगी? वो मेरे पीछे नमाज को हराम समझते हैं। मैंने कहा वो दूसरे अहले हदीस हैं वो तो पढ़ रहे हैं मेरे पीछे नमाज और बड़ा इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, बल्कि दूसरे अहले हदीसों को बुरा भला कहते हैं कि यार क्यों नमाज नहीं पढ़ते तुम, जमात की नमाज किस बेस पे छोड़ रहे हो? तो जितने मिलेंगे ना आपको हर एक की कुरान और हदीस की तहकीक दूसरे से क्या होगी, तो इतनी राय है ना कि ये आप पागल हो जाओगे, सही है ना। इसलिए हम कहते हैं, हम अहले हदीसों को तो कुछ नहीं कहते, उनको जो समझ में आए अल्लाह उनसे पूछ लेगा, वो अगर इस भी खुश हैं तो ठीक है भाई, हम किसी को जानने भी नहीं कहते, रिश्तेदारी भी उनसे रखते हैं, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं।